हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मौसम में बदलाव या बढ़ती उम्र का पड़ाव हो और सबसे पहले असर त्वचा पर ही देखने को मिलता है। ऐसे में त्वचा में कोई ना कोई परेशानी भी बनी रहती है। कभी त्वचा पर मुहासे हो जाते हैं तो कभी त्वचा में उम्र की रेखाएं नज़र आने लगती हैं। वैसे तो बाज़ार में त्वचा की देखभाल करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, मगर इस पर बहुत तरह के केमिकल्स भी होते हैं। तो इन सभी परेशानी को दूर करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, जो कि है पुदीने का तेल। यस, बाजार में आपको पेपरमिंट ऑयल जैसे पुदीने का तेल भी कहा जाता है और आसानी से मिल जाता है। यदि आप इसे त्वचा पर लगाती हैं तो रंग निखारने से लेकर यह तेल आपकी एजिंग की समस्या को भी दूर कर देगा। तो चलिए जानते हैं कि पुदीने के तेल के त्वचा के लिए क्या फ़ायदे हैं और आप इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। रंग सांवला है और आप अपने रंग को निखारना चाहती हैं तो आपके लिए पुदीने का तेल बेस्ट है। दरअसल पुदीने के तेल में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और इस तरह देखा जाए तो पुदीने के तेल में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इससे आपको रंग साफ होता है और पुदीने में मौजूद विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। ये त्वचा पर पिगमेंटेशन को, स्ट्रेस को भी कम करता है। ऐसा होने से आपकी त्वचा का रंग साफ होता है। और अगर आप इस तेल की 2 बूंदें नारियल के तेल के साथ मिलाकर त्वचा पर लगाएंगी तो आपको बहुत ही फायदा होगा। दूसरा, हम बात करेंगे कि मुहासों के लिए किस तरह से सिद्ध साबित होता है। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुहासे हो रहे हो तो आपको अपने चेहरे पर पेपरमिंट ऑयल लगाना चाहिए। इससे आपकी त्वचा पर बैक्टीरिया नहीं फैलेंगे और आपको और मुहासे नहीं होंगे। इस तेल को अगर आप रोज़ाना रुई की मदद से पिंपल पर लगाती हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। इससे आपकी त्वचा पर जो मुहासे हैं वह भी दब जाते हैं और सूख जाते हैं। तीसरा, कि स्क्रब के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आप एक अच्छा स्क्रबर की तलाश में हैं तो आपको पेपरमिंट ऑयल को चुनने में कोई भी हर्ज नहीं होना चाहिए। इसमें बेहतर और भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगर आपकी उम्र 30 के ऊपर है तो आपको चेहरे पर पुदीने का तेल ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये एंटी एजिंग होता है। इससे आपके चेहरे की सारी झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। और जैतून का तेल, पेपरमिंट ऑयल और नमक को मिक्स करके लगाए अच्छे से चेहरे पर स्क्रब करें, इससे चेहरे पर एक अनोखी चमक भी आ जाती है और इससे आपके चेहरे का स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पुदीने का तेल एक अच्छा टोनर भी है, क्योंकि पुदीने का तेल आपकी त्वचा पर एक अच्छे टोनर का काम तो करता ही है, साथ ही साथ इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में मेथॉल होता है। ये त्वचा को ठंडक पहुंचाता है। यदि आप इसमें एप्पल साइडर विनेगर डालती हैं तो ये एंटीबैक्टीरियल बन जाता है। इससे आपकी त्वचा पर किसी भी तरह का संक्रमण नहीं होता है और इसमें लैक्टिव और मैलिक एसिड भी होता है, जो त्वचा में मौजूद पीएच को भी ब्लेसेंट रखता है। आपको पेपरमिंट ऑयल से टोनर बनाने के लिए 3/4 पानी और 1/4 सेब का सिरका, 20 बूंदे पुदीने का तेल मिलाना है। इन तीनों को मिलाकर अच्छे से टोनर बना लेना है और इस टोनर को आप फ्रिज में रखकर रोज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें आपके त्वचा से रिलेटेड, कि किस तरह से आप इस बदलते मौसम में अपनी त्वचा को बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे नुस्खे के साथ इसको स्मूथ और शाइनी और बहुत ही हेल्दी रख सकती हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज फ्रेंड्स, सो लाइक, शेयर, सब टू माई चैनल। इफ़ यू डोंट लाइक तो डिसलाइक भी करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नाउ, बाय बाय।